नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफायर नॉलेज में स्वागत करता हूँ। पर दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं है ना। तो इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने चल रहे हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। करंट अफेयर 4 नवंबर 2021, देखिए फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर ये कर रहा है कि द कंट्रीज फर्स्ट नंबर ये करा है कि द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है ना, जो SBI है, हैज अनाउंस्ड, इसने अनाउंस किया है कि द लॉन्च ऑफ प्री अप्रूव्ड टू व्हीलर लोन स्कीम SBI इजी राइड थ्रू योनो। मतलब SBI ने यह लॉन्च किया है कि जो भी टू व्हीलर के लिए जो भी लोन स्कीम है ना, इसकी इस योजना का नाम रखा है SBI इजी राइड है ना। ये शुरू किया है योनो के माध्यम से है ना। जो SBI की बात करें तो जो SBI का ऐप है योनो, इसके माध्यम से टू व्हीलर लोन की घोषणा की है। इसके माध्यम से यहाँ पे ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। आगे देखते हैं तो SBI के बारे में, तो इस SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इसे इंपीरियल बैंक भी कहा जाता था इसे है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, और इसके अभी जो प्रेजेंट में अगर चेयरपर्सन है तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा, ये चेयरपर्सन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। हेडक्वार्टर मुंबई में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। आगे देखिए सेकेंड नंबर क्या कर रहा है कि भाषा संगम इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत टू टीच स्कूल चिल्ड्रेन बेसिक सेंटेंसेस ऑफ एवरीडे यूजेज इन 22 लैंग्वेजेस। जो भारत का जो 22 लैंग्वेज है ना, जो इंडिया के जो 22 लैंग्वेजेस है, जो भाषाएं हैं है ना, इसमें जो भी बेसिक सेंटेंसेस हैं, तो ये बेसिक सेंटेंसेस 22 भाषाओं में जितने भी स्कूली बच्चे हैं इन सभी को सिखाने के लिए यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इन्होंने भाषा संगम स्टार्ट किया है ना, जिसका लक्ष्य ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है ना, इसके माध्यम से जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनको 22 लैंग्वेजेज 22 भाषाओं में जो भी रोजमर्रा, जिसे बोलते हैं डेली यूज होने वाले जो भी सेंटेंसेस है, इसे सिखाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू रिसीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। भारत की पहली महिला क्रिकेटर है ना, कौन बनी है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना, जिन्हें अवार्ड, ये अवार्ड मिलने वाली है। तो इनका आंसर है मिताली राज। मिताली राज एक ऐसी प्लेयर है ना, वुमेन क्रिकेट टीम की ये हिस्सा है ना, वुमेन क्रिकेट टीम की। इन्हें मेजर ध्यानचंद है ना, ये अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की बात करें, खेल रत्न अवार्ड की है ना, अवार्ड होगा, तो ये जो खेल के क्षेत्र में ये हाईएस्ट अवार्ड है, अगर बात करें ये खेल में ये सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि फॉर्मली नॉन एज द राजीव गांधी खेल रत्न, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, पूर्व में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी वर्ष 2021 से इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसे नाम रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसे मिलेगा, इंडियन प्लेयर को ही मिलेगा। ठीक है, कैटेगरी स्पोर्ट्स की है
है ना, जो ये अवार्ड दिए जाएंगे वो स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाएंगे। फाउंडेड हुआ था बेटा 1991 टू 1992 में, फर्स्ट एडिशन हुआ था 1991 टू 1992, 1991 से 1992। प्रोवाइडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। कैश प्राइज है 25 लाख रुपीस, ध्यान रखेंगे 25 लाख इसकी प्राइज है। फर्स्ट विनर, जो पहला पुरस्कार पाने वाले प्लेयर थे, इनका नाम था विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद इनका नेम था। ये चेस प्लेयर हैं, ये चेस के प्लेयर हैं, है ना। और भी इनके, देखिए इसके पहले में अगर बात करें तो इसके पहले में प्लेयर्स को जो दिए गए थे उनमें रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलू, ठीक है, मोनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इसके बाद रानी रामपाल, इन प्लेयर्स को दिए गए थे कौन सा अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है। देखिए फोर्थ नंबर क्या कर रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन चूजन बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2021। मतलब हाल ही में जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, इसने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है, तो इसका उत्तर है वैक्स। इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर, है ना, 2021 चुना है, ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, देखिए फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है कि हु हैज टेकन ओवर एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो इनका उत्तर है दिनेश कुमार सिंह। इन्होंने जो असम राइफल है, इनका एडिशनल डीजी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, है ना, ऑफ असम राइफल, इसका पद इन्होंने संभाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिक्स नंबर, रिसेंटली इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट सेट फॉर 2030 हैज बीन इंक्रीज टू हाउ मच, हाल ही में जो भारत है 2030 तक इसने निर्धारित किया है कि जो भी अक्षय ऊर्जा है इसे बढ़ाकर कितना किया जाए, तो इसका इंडिया का टारगेट है, अगर भारत की बात करते हैं तो इसका 2030 तक इसका टारगेट है 500 गीगावाट। कितना टारगेट है, 500 गीगावाट का टारगेट है। चलिए नेक्स्ट है, यहां पे देखिए क्या कर रहा है, अगर नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट ये कह रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट हैज मेड 90 डेज इंटर्नशिप मैंडेटरी फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, मतलब किस राज्य ने बेरोजगारी भत्ता की पात्रता के लिए 90 दिनों की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है, तो यह है राजस्थान ने 90 दिनों के लिए, है ना, जो 90 डेज हैं इतनों दिनों के लिए क्या किया है, इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान को देख लेते कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है और राजस्थान के बॉर्डर कौन कौन से स्टेट के साथ टच करता है, है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के अगर राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत ये CM है, चीफ मिनिस्टर। और कलराज मिश्रा की बात करते तो ये गवर्नर है बेटा, कौन है, सॉरी, कलराज मिश्रा ये गवर्नर हैं और इनका नाम है कलराज मिश्रा, ठीक है, कलराज मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पे देखे तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जो फोक डांसेस हैं, राजस्थान के जो फोक डांसेस हैं इसका नाम है घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य है और काफी फेमस है ये, और राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 जिले हैं। अब राजस्थान की बात करते हैं, देखिए यहां पे ये जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, यहां पे अगर मैप को देखें, इंडिया के मैप को,
तो ये रहा राजस्थान है, ये कौन सा पार्ट है, ये राजस्थान का पार्ट है ये, है ना, जिसे मैं रेड कलर से बाउंड्री, रेड कलर से इसकी बाउंड्री को कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये राजस्थान का पार्ट है ये, अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जो बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, वो कौन कौन से स्टेट के साथ ये टच करता है। और सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट करके लिख लेंगे कि जो कैपिटल है राजस्थान की, राजस्थान, राजस्थान की जो कैपिटल है जिसे अपन बोलते हैं राजधानी, वो कहाँ है बेटा, वो है जयपुर। जयपुर, ठीक है, और जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी, गुलाबी शहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं, तो देखिए किसके किसके साथ ये बॉर्डर टच करता है यहाँ पे, तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर, राजस्थान शेयर इट्स बाउंड्रीज, शेयर इट्स बाउंड्रीज, जो राजस्थान है, राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्य के साथ टच करता है, सॉरी लिखेंगे यहां पे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले अगर हम देखें वेस्ट में, वेस्ट और कुछ नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में देखें, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, अपन हाइड हो जाते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, है ना, जिसे अपन बोलते हैं, सॉरी नॉर्थ नहीं, वेस्ट, है ना, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, फर्स्ट नंबर वेस्ट, जिसे अपन बोलते हैं पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, तो ये शेयर करता है, देखिए ये शेयर करता है ये किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ ये शेयर करता है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ ये शेयर करता है ये बाउंड्रीज, और ये जो बाउंड्रीज है पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, ये इंटरनेशनल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, ठीक है, और पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में किसके किसके साथ, तो पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये पाकिस्तान का हो जाता है, कुछ पंजाब का हिस्सा हो जाता है जो पाकिस्तान में प्रेजेंट है पंजाब वो, और इसके साथ सिंध का पार्ट होता है, ठीक है, पंजाब, पंजाब और सिंध के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, अगर सेकेंड नंबर की बात करूं तो देखिए सेकेंड नंबर में किसके साथ ये शेयर करता है, नॉर्थ की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, किसके साथ, तो ये नॉर्थ उत्तर हो गया, उत्तर और उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, तो ये शेयर करता है यूपी एंड एमपी के साथ, सॉरी
यूपी नहीं, पंजाब एंड हरियाणा के साथ, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ की, है ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर एंड उत्तर पूर्व की बात करते हैं, तो ये किसके साथ शेयर करता है? ये शेयर करता है पंजाब, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के साथ शेयर करता है। और साउथ ईस्ट की बात करते हैं थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में ये शेयर करता है साउथ ईस्ट, चलिए कहां पे लिख दूं, यहां पे लिख दूं मैं थर्ड नंबर साउथ ईस्ट, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं दक्षिण, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व में ये शेयर करता है किसके साथ शेयर करता है? ये यूपी हो गया, और यूपी के साथ साथ ये एमपी के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ करता है? एक तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो ये रहा फर्स्ट नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर देखें तो वेस्ट में, फर्स्ट नंबर वेस्ट पश्चिम एंड नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जो पंजाब प्रजेंट है उस पंजाब के साथ, और सिंध के साथ, इसके साथ शेयर करता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो गया, ठीक है। सेकेंड में शेयर करता है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के साथ, उत्तर और उत्तर पूर्व के साथ, पंजाब है और हरियाणा है, है ना। और थर्ड नंबर की बात करते हैं साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर करता है। और ये जो यहाँ पे जयपुर देख रहे हैं, ये जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, ये जयपुर है, और यही क्या है, कैपिटल है, राजधानी है ना। तो आई होप कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है, मैप इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान में ज्यादा समझ में आए, ठीक है। चलिए, और ये रहा आपके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद पूछूं, है ना। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, ताकि मैं इन्हीं तरह से जो भी करंट अफेयर्स हैं इसके साथ साथ मैं कुछ स्टैटिक पार्ट्स आप लोगों के साथ लाता रहूँ, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से दीपावली मनाइए, है ना, सभी बच्चों को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें, जय हिंद।